Welcome class 1, my name is Miss Aisha and today's our topic is money. Okay, when we go shopping we need money. जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें मनी की नीड होती है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं. जैसे आप लोग भी जाते हैं बाहर, आप लोगों को कुछ भी लेना होता है तो हम मनी के ज़रिए जो है हम लेते हैं. इन ओल्डन टाइम्स पीपल एक्सचेंज गुड्स दे नीडेड. पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हमें कुछ भी लेना होता था तो जो है हम लोग चीज़ें पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक्सचेंज हो जाती थी. लेकिन नाउ वी नीड मनी टू बाय द थिंग्स वी वॉन्ट. आजकल के ज़माने में ऐसा होता है कि ज़ाहिर है हमें कुछ भी लेना हो तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है. हेयर आर द कॉइन्स एंड द नोट्स वी यूज़ इन पाकिस्तान. आप लोगों के बुक के पेज नंबर 120 पे आप लोग देखें कि इसमें कुछ रुपीज़ दिए हुए हैं और कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं. जैसे 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ हैं. जैसे हम इन कॉइन्स की, इन रुपीज़ की जो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ भी लेना हो. ओके, मनी, रुपीज़ एंड पैसा. इन पाकिस्तान रुपीज़ एंड पैसा आर यूज्ड एज मनी. पाकिस्तान में रुपीज़ और पैसा यूज़ होता है मनी के तौर पे, पैसे के तौर पे. देयर आर 100 पैसा इन 1 रुपीज़. 100 पैसा जो होता है वो एक 1 रुपीज़ बनाता है. जैसे 100 पैसे जिस जितने होते हैं वो एक 1 रुपीज़ बनाता है. आप लोगों के पेज नंबर 121 पे होगा, हाउ मैनी कॉइन्स मेक 10 रुपीज़. कितने कॉइन्स जो होते हैं 10 रुपीज़ बनाते हैं. अब जैसे 1 रुपीज़ है हमारे पास, उसको 1 रुपीज़ हम 10 जो हैं जमा कर लेंगे अपने पास तो वो कितने हो जाएंगे, 10 रुपीज़ हो जाएंगे. 1 कॉइन को हम 1 रुपीज़ का जो कॉइन होता है वो हम 10 जमा कर लेंगे तो हमारे पास 10 रुपीज़ हो जाएंगे. ओके, हाउ मैनी कॉइन्स मेक 20 रुपीज़. अब कितने कॉइन्स जो हैं वो 20 रुपीज़ बनाते हैं. 2 रुपीज़ के जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं अगर वो 10 होंगे हमारे पास तो वो 20 रुपीज़ बन जाएंगे. टू रुपीज़ के जो कॉइन्स होते हैं अगर वो हम 20 जमा कर लें अपने पास तो वो 10 जमा कर लें अपने पास सॉरी तो वो 20 रुपीज़ हो जाएंगे. ओके, और क्लास आप लोगों के पास 122 पेज बुक के मनी एडिशन दिया हुआ होगा आप लोगों को. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि हमें ऐड करना है. जैसे यहाँ रुपीज़ 2 है, रुपीज़ 5 है और यहाँ भी रुपीज़ 5 है तो हम इसको ऐड करके लिखेंगे कि ये कितने हो गए. हमें एडिशन करनी है. जैसे कि 5 + 5 = 10 + 2 = 12. तो ये हमारे पास हो गए 12 रुपीज़. ओके ओके क्लास, ये हमारे पास है 10 20 10 10. 20 + 10 = 30 + 10 = 40. तो ये हमारे पास हो गए 40 रुपीज़. ओके, सो अब हमारे पास है क्वेश्चन सी. तो इसमें है 2 रुपीज़ 2 2 रुपीज़ 2. तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4 = 6 = 7 = 8 = 8 रुपीज़. ठीक है, इसी तरह आपने जो है बाकी के क्वेश्चंस करने हैं जो इसमें दिए हुए हैं. और पेज नंबर 123 पे भी हैं, कुछ आगे भी हैं, एडिशंस के हैं. तो आप लोगों को जो है होमवर्क जो है दे दिया जाएगा, वर्कशीट दे दी जाएंगी तो आपने उसको कंप्लीट करना है.